हरियाणा में चुनाव माहौल है और आदमपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आदमपुर उपचुनाव पर बात करते हुए कहा कि आदमपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिलेगा, क्योंकि जो उनकी नेत्री सोनाली फोगाट थी उनको भी 34,000 से अधिक वोट मिले थे और अब कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। वहीं उपचुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सवाल उठाए गए कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी उपलब्धि गिनवाने के लिए नहीं है। पंचायत चुनाव देखिए, अब डिक्लेयर तो चुनाव आयोग ही करेगा, मुझे लगता है कि शायद जल्दी आजकल भी डिक्लेरेशन हो सकती है। नहीं, इसका फैसला कल हमने एक बैठक रख रखी तो उसमें पार्टी लेगी, जो चुनाव समिति है उसका निर्णय करेगी कि क्या हम उस पर फैसला लेंगे। कल हमने सारे अपने पदाधिकारी बुलाए रखे और जिनके जिम्मे पंचायत का काम हमने दिया था वो भी सभी बुलाए हुए हैं और उसके साथ साथ जिला अध्यक्ष बुलाए रखे हैं। तो कल एक बैठक पहले है, दूसरी बैठक बाद में, तो उस दोनों बैठकों में हम राय लेंगे कि सभी क्या राय है। अगर जिस प्रकार की राय आएगी उसी प्रकार का निर्णय ले लेंगे। हाँ, पूरे प्रदेश से ऐसे भी जिलाध्यक्ष बुला रखे हैं, उसमें जिलाध्यक्ष भी हैं और एक हमने पहले कमेटी गठित की थी चुनाव के लिए, तो वो सारी कमेटी बुलाई है उसमें।